तो एक रोड तो आपको बता दिया मैं कि डालकोला में अगर इतना जैम है 10-12 किलोमीटर का, शॉर्टेस्ट रूट में कैसे निकल जाओगे यहाँ से? Hey guys, मैं हूं संतु एंड आप सबका स्वागत है कारण कुछ चैनल पे। और एक चीज बोलना तो बोलिए, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग मेनली जा रहे हैं सिक्किम, उसके बाद पॉसिबल होगा तो जाएंगे डुअर्स। बुकिंग डुअर्स का भी हो चुका है, लेकिन देखते हैं क्या सिचुएशन रहता है, क्योंकि अभी सिक्किम का हालत जरा सा टाइट है, तो सारा चीज़ पहुँच चीज डिसीजन लेना पड़ेगा वहाँ जाके। और जितना सारा टोल का खर्च रहेगा ना, वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। बाकी टूर का जितना कॉस्ट रहेगा वो लास्ट एपिसोड में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग दो जन जा रहे हैं और पूरा बजट ट्रिप करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई फालतू वाला कोई इसमें जाएंगे, हाँ जिसमें जाना है उसमें जाएंगे खर्च में, लेकिन कोई फालतू इसमें नहीं जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे आपको दिखाने के लिए। तो जो रूट रहेगा वो सेम रहेगा, नवोद्वीप, कृष्णनगर, बहरमपुर, फरक्का, मालदा, रायगंज, बोतलबाड़ी रूट, सिलीगुड़ी। और यहाँ से अगर नवोद्वीप का रूट आपको देखना है तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो फिलहाल तो ओल्ड दिल्ली रोड क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, अभी 5:30 बज रहे थे। और फॉग देख सकते हो आप, मतलब आज 23 तारीख है अक्टूबर का, पता नहीं कैमरे में कितना आ रहा है, मतलब जबरदस्त फॉग है। ऐसा नहीं कि विजिबिलिटी लो है, लेकिन अच्छा खासा फॉग है। देख पा रहे हो, मतलब खतरनाक वाला फॉग है। और ये ब्रिज बना के ना बहुत अच्छा किया है, क्योंकि पहले वो लेवल क्रॉसिंग से क्रॉस करना पड़ता था और कम से कम 1.5-2 घंटे का जैम लग जाता था। तो अभी मोगरा से कुल्लानी का जो कनेक्टर वाला ये ब्रिज है, काफ़ी अच्छा हुआ है, तो इसी वजह से और मैं एक रास्ता पकड़ता हूँ। नहीं तो फिर वो एक ही हो जाता ना नीचे, अगर 1.5-2 घंटा लग जाता यहाँ पे जैम में, तो भाई उससे अच्छा तो बर्धवान मोरग्राम वाला जो रास्ता है वही वाला ले लेते। हेवी ड्राइवर तो फिलहाल सो रहा है, रेस्ट करने दे रहे हैं इसको, क्योंकि भाई कृष्णनगर के बाद से तो यही चलाने वाला है। तो ये चीज़ और एक बार प्रूफ हो गया, 4:45 निकले थे और 7:45 हो रहा है, तो 2 घंटे में अभी नवोद्वीप क्रॉस कर रहे हैं यहाँ से। सिंगल लेन था, उसके बावजूद भी रास्ता काफ़ी अच्छा है। मेरा गाड़ी तो लगभग 100-105 में मैं चला रहा था उस रास्ते में गाड़ी। तो अगर आप लोग नवोद्वीप मायापुर आना चाहते हो ना, ये रास्ता ले लो तो भाई एक्सीलेंट रास्ता है। वो 12:07 से अगर आप कृष्णनगर आओगे तो भाई हो जाएगा, 4-4.5 घंटा तो लगता ही है। तो फिलहाल 7 बज रहे हैं और कृष्णनगर क्रॉस कर रहे हैं, और यहाँ से लेफ्ट ले लेंगे, इसके बाद फिर से हाईवे आ जाएगा NH34 वाला। कृष्णनगर से बहरमपुर का जो स्ट्रेच है ना, काफ़ी अच्छा है, मस्त है। बस 2-4 जगह में ऐसा सिंगल मिलेगा आपको, वो भी 1-2 किलोमीटर का, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। और रास्ते में भी बहुत सारा बाइकर्स मिला जो भी गुरुधाम वाले लेके जा रहे हैं, तो कल वो लोग भी मंगो नहीं जाएगा, तो अगर बात होता है तो करवाते हैं आपसे बात, क्योंकि बाइक लेके जाने का भी ना एक अलग सा ही पैशन रहता है। ये जो टूर वगैरह है ना, मतलब गुरुदोंगवा लेक हो चाहे लेह लद्दाख हो, आपको पैशन होना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि आप सोच लिए कि ना मुझे गुरुदोंगवा लेक जाना है, तो ऐसा नहीं है, वो पैशन रहना पड़ेगा आपको, तो उसके बाद ही वो चीज़ सही होता है। अदरवाइज गाड़ी चलाना हर किसी को आता है, अगर गाड़ी का मेजरमेंट आपको पता है तो आप हिल में चलाओ या कहीं भी चलाओ गाड़ी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। भाई गाँव, खेत और ये हरियाली, मजा ही कुछ अलग होता है।
तो अभी ड्राइवर चेंज हो रहा है, मैं जा रहा हूँ पैसेंजर सीट में और ये ड्राइवर अभी चलाएगा पूरा सिलीगुड़ी तक। तो 8:30 बज रहे हैं अभी और हम लोग बहरमपुर क्रॉस कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे एक लेवल क्रॉसिंग है यहाँ पे, तो अभी कब ट्रेन आएगा और उसके बाद निकलेंगे हम लोग। लंच कोई होटल में नहीं करेंगे हम लोग, इसका कोई पहचान का है मुर्शिदाबाद में, तो उनके घर जाएंगे अभी, एक डेढ़ घंटा लगेगा, उनके घर से ही खा लेंगे, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, वहाँ से आधा घंटा एक घंटे में निकल जाएंगे वहाँ से। देसी चिकन बन रहा है वहाँ पे, देसी चिकन तो तू ही काल के उपदी बोल ली देसी चिकन, अब पता नहीं मुझे बोल के लेके आए देसी चिकन खिलाए, तो भाई देखते हैं कौन सा चिकन मिलता है या मछली, मछली तो खाता नहीं हूँ मैं, माछ खाए ना तो मछली नहीं खाता हूँ, अगर हो गया तो खा ही लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एकदम से भी नहीं खाते, खा ही सकते हैं। इसका मुंह मतलब ड्राइवर का ऐसे देख लो ना, मतलब हाँ तो वही तो ना गुटका। तो अभी हम लोग मुर्शिदाबाद में ही है और जा रहे जीवंदा के घर, मुझे बहुत अच्छा लगता है गांव में। तो अभी जीवंदा के घर है, मैं नहीं पहचानता हूँ, ये पहचानता है। तो भाई एक चीज़ है, अभी कितना बज रहा है, 11 बज रहा है और निकल रहे हैं यहाँ से, और जिसका घर है मतलब ये लेके आया था जीवंदा, उन्हीं से मिल नहीं पाए, है ही नहीं घर पे, बस खाना खाया हम लोग और निकल लिए यहाँ से। भाई गजब है गजब, इसके साथ रहेंगे तो बहुत सारा चीज़ हो जाता है। तो अभी फिर से नॉन स्टॉप एकदम निकलेंगे एंड देखते हैं कहाँ रुकते हैं नेक्स्ट। तो फिलहाल मालदा बाईपास में खड़े हैं, 1 बज रहा है टाइम, यहाँ पे एक बाइकर्स गैंग के साथ भी बात की है, तो वो लोग गैंगटॉक जाएगा पहले, उसके बाद गुरुदंगवाली जाने वाला है, लेकिन हम लोग तो जाएंगे डायरेक्ट मंगोन, क्या रास्ता है वहाँ जाके पता चलेगा। अब ये लोग भी पूछ रहा था कि रास्ते का हालत क्या है, तो देखते हो चीज़। तो फिलहाल मैं अभी बैठे बैठे बोर हो रहा, तो मैं अभी जा रहा हूँ ड्राइविंग सीट में फिर से एंड रायगंज क्रॉस करते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। टोटल 3400 का भरा है अभी और पेट्रोल मिला 31.57 का, मतलब मैं तो एक तो गलती कर दिया था जब गाड़ी लिया, तब इतना सोचे नहीं थे कि इतना जर्नी मतलब होगा, उसके बाद डीजल गाड़ी तो लेना चाहिए था मुझे, वो चीज़ तो गलती कर दिए पेट्रोल लेके, तो वो गलती तो हो चुका है, अब चलाना तो पड़ेगा ये चीज़ भाई। लेकिन सच में 108 रुपये पेट्रोल मतलब बहुत है, बहुत ज़्यादा है। अभी 3 बजने जा रहा है और अभी जस्ट रायगंज क्रॉस किए हम लोग, टिफिन लेके आए थे घर से, तो वो चीज़ खा लिया अभी क्योंकि लेट तो नहीं करना है, तो उसके वजह से जो लाए थे घर से वो खाना खा लिए। और अभी बोतल बाड़ी का जो रूट है ना वो वाला नहीं लेंगे, डालखोला उकी जाएंगे, कितना जैम होता है और कितना लेट होता है ये सारा चीज़ आपको दिखा देंगे। तो लास्ट जब 3 महीना पहले भी मैं दार्जिलिंग आया था, यही रूट से आया था, तो तब सिंगल लेन बहुत ज़्यादा था रायगंज के बाद, तो अभी तो देख रहा हूँ डबल लेन मैक्सिमम हो चुका है, ऐसा नहीं कि सिंगल लेन नहीं है, लेकिन हाँ डबल लेन भी हो चुका है बहुत ज़्यादा। तो रास्ता बन रहा है पूरा, ये ब्रिज बन रहा है यहाँ पे, पूरा रास्ते का काम हो रहा है यहाँ पे रायगंज से डालखोला तक, एक बार कंप्लीट हो जाएगा ना ये रास्ता, उसके बाद तो भाई मक्खन हो जाएगा रास्ता पूरा, क्योंकि डालखोला बाईपास भी कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम में, तो उसके बाद तो सिलीगुड़ी मतलब 12 से 13 घंटे ही
मतलब हो जाएगा कंप्लीट। तो ऐसा जम लगता है डालखोला में, अभी भी मतलब 7-8 किलोमीटर है शायद, तो ऐसा जैम लगता है और आपको राइट से ही लेना पड़ेगा, मतलब उस तरफ गाड़ी आ रहा है तो आप साइड हो जाइए और पास दे दीजिए, फिर जाइए रॉन्ग साइड से। बाकी जैम आप देख सकते हो ट्रैक का, मतलब भाई कुछ बोल नहीं सकता इसका, भाई फुल ऑफ रोडिंग चल रहा है निक्सॉन का, सामने भी निक्सॉन, ये भी निक्सॉन, कम से कम 3-4 किलोमीटर आगे रॉन्ग साइड से। बेसिकली अभी जो रास्ते से जा रहे हैं ना हम लोग, ये डालखोला बाईपास वाला रास्ता है, तो अभी रेडी नहीं हुआ है लेकिन जा पा रहे हैं। अब निक्सॉन है करके बहुत सारा जगह ऐसा है कि अगर ग्राउंड क्लियरेंस कम रहा है वहां पे तो नीचे लग सकता है, ऐसा नहीं कि जा नहीं सकता है, लेकिन लगेगा तो 2-4 बार लगेगा वो चीज। और यहाँ तक रेडी हो चुका है रास्ता, बस जरा सा काम और बाकी है। तो आप देख सकते हो डालखोला बाईपास, तो बस यहीं तक था रास्ता, सामने बंद है। और अभी यहाँ साइड से एक रास्ता बोला है यहाँ पे लोकल ने, तो रास्ता देखेंगे अभी, क्योंकि भाई जैम में नहीं फंसना है उसलिए सारा चीज़ कर रहे हैं। तो देखते हैं ये चीज़ कि वहाँ से रास्ता है या नहीं है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो एक छोटा सा रास्ता है यहाँ पे, देखते हैं हाईवे में उठते हैं उसके बाद आपको बोलते हैं कि रास्ता कितना सही रहेगा आपके लिए। Take the next right onto Hapari Road. सिलीगुड़ी जा रास्ता राइट साइड चले हो ना, राइट साइड चले हो। डान दिखे चले गए ना, थैंक यू। तो रास्ता आप देख पा रहे हो, दो गाड़ी तो आ जा सकता है इसमें, लेकिन एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, रात को मत आइए, अगर दिन में आ रहे हो तो आराम से आइए, बहुत टाइम सेव हो जाएगा आपका। यहाँ एक एक भी मुर्गी गया ना तो भाई वहीं पर रख देगा पूरा रात भर। तो एक रोड तो आपको बता दिया मैं कि डालखोला में अगर इतना जैम है 10-12 किलोमीटर का, तो आप वहां से शॉर्टेस्ट रूट में कैसे निकल जाओगे यहां से। जो भी लड़की देख रहा है उससे पूछ रहा है कि सिलीगुड़ी का रास्ता कहाँ है, मतलब इसको और कोई नहीं दिख रहा है, बस लड़की दिख रहा है इसको। और 750 मीटर में हाईवे है, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ना, सीखने को तो मिला, मालूम तो पड़ गया ना ऐसा भी रास्ता है। काली पूजा है उसके लिए, चंदे के लिए खड़ा है यहाँ पे सर कोई, और हर गाड़ी को पकड़ रहा है, ज्यादा नहीं है 10 रुपया। तो हाईवे तो आ गया सामने, और कम से कम मैं बोल रहा हूँ 1 से 1.5 घंटा सेव हुआ है। अब देख लो यहाँ भी जैम है, और हम लोग जाएंगे ये डिवाइडर जस्ट क्रॉस करेंगे और यहाँ से बस निकल गए। ये देख लीजिए डिवाइडर, तो इसको क्रॉस किए पूरा सेम, अब एकदम सीधा सिलीगुड़ी। टाटा मोटर्स देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से बस अगर आप सिलीगुड़ी से आ रहे हो तो ना यहाँ से जस्ट 200 मीटर जाके लेफ्ट ले लीजिए यहाँ पे, और उसके बाद लोकल से पूछ लीजिए वहाँ पे, वो लोग बता देगा सारा आपको, आपका टाइम बच जाएगा और कुछ नहीं। लेकिन हाँ दिन में कीजिए, रात में मत कीजिए। और ये चीज देख लो, रास्ता तो सही नहीं है लेकिन जस्ट निकल के ही टोल है, मतलब कुछ भी यार, कुछ भी, डबल 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 टोल। अरे तुम्हारा तो रास्ता एत भालो, तो ওই জন্য বললাম ডাবল টোল যদি কাটো এত এত রাস্তা হলো। হ্যাঁ কমপ্লেন না, কমপ্লেন করে দাও। আরে করে গিলাম এত বছর ধরে যাতায়াত করে, তুমি বলো যে 100 কমপ্লেন করো, 100 अभी
8:15 हो रहा है टाइम और लास्ट एक घंटे से हम लोग होटल ढूंढ रहे हैं, कम में ढूंढ रहे हैं होटल। आ गए न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पास, तो यहाँ पे एक है तिरुपति लॉज। अभी पूछने गया है सुमित कि कितना करके है टैरिफ, यहाँ पे कम में रहेंगे इसलिए ढूंढे जा रहे। तो आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं वीडियो को और मिलते हैं कल मोंगोन जाएंगे हम लोग, तो बाकी बात आपसे कल करते हैं।